आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीन्स आलू की बहुत ही मज़ेदार सूखी चटपटी सब्जी की रेसिपी। इसे आप लंच बॉक्स पर भी लेकर जा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है, या फिर आप इसे प्लेन दाल राइस के साथ भी परोस सकते हैं। बहुत ही क्विक तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बीन्स आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम बीन्स। अच्छे से धोकर मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। एक बड़े साइज का आलू लिया है, इसको भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होते ही आधा छोटा चम्मच सरसों डालेंगे और साथ में आधा छोटा चम्मच जीरा। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू और बीन्स को छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि आलू थोड़े से पक जाए। बीन्स को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए बीन्स को आलू के साथ नहीं डालना है। पहले आलू को हम थोड़ा सा ढक कर पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें बीन्स ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए ताकि बीन्स भी हल्का सा भुन जाए। बीन्स हमारे हल्के से भुन चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच आमचूर। आमचूर से बहुत ही बढ़िया खट्टापन ऐड होता है, चटपटी बनकर सब्जी तैयार होती है। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए और बढ़िया से जो है ना सब्जी में ऊपर से कोटिंग होनी चाहिए। धीमी आंच पर इसको चलाते हुए हमें हल्का सा भून लेना है। इसके बाद हम 2 मिनट के लिए इसको ढक कर पकाएंगे। आज की जो ये रेसिपी है ना, इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने जो अमचूर का खट्टापन इसमें ऐड किया है उसी से ये सब्ज़ी बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू और बीन्स अच्छे से पक सके। थोड़ा सा चला लेने के बाद इसको हम ढक कर पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट तक, जब तक कि आलू और बीन्स अच्छी तरीके से पक ना जाए। जब भी हम कोई सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं और हमने उसमें टमाटर ऐड नहीं किए हैं तो सब्ज़ी को पकाने के लिए हल्का सा पानी डालना ज़रूरी होता है ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं और सब्ज़ी हमारी पक सके। यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और सब्ज़ी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर अगर आपने डाला हो तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर गलने के बाद अपने आप पानी रिलीज़ करता है और सब्ज़ी उसी पानी में पक जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। आलू बीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं। आप इसको टिफ़िन पर लेके जा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर प्लेन दाल राइस के साथ भी परोस सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। हफ्ते के 7 दिन में 1 दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपके कमेंट भी ज़रूर ऐड करें।